अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सानिया सुल्ताना और आप देख रहे हैं तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की जानिब। एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से रोजी रोटी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जनाब हसन नवाज खान आरिफ साहब, फाउंडर और प्रेसिडेंट एफएमएस ट्रस्ट की जेरे सदारत, जनाब सैयद अब्दुल रऊफ साहब एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर एफएमएस और मोहतरमा असरा शहजादी कोऑर्डिनेटर एफएमएस ट्रस्ट के जेरे निगरानी आज उजाले शाह साहब ईदगाह कोरमागुड़ा में असद साहब एडवोकेट और अली साहब सियासत के हाथों गुरबा में मुफ्त रोजी रोटी तकसीम का इफ्तिताह अमल में आया। रोजी रोटी का मकसद बेसहारा ख्वातीन से इन्हीं के मकानों में रोटी बनवा कर इनको रोजी पर लगाना है। इन रोटियों को स्लम बस्तियों में मुकीम बेसहारा और मदरसों के बच्चों में तकसीम करना है। इस तकरीब में मदरसे के बच्चों और बूढ़ों में रोटी के साथ कपड़े भी तकसीम किए गए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी अली साहब सियासत, असद साहब एडवोकेट, मोहतरमा जायसवाल सामाजिक कारकुन और जनाब रेहान ओनर ऑफ इम्पीरियल होटल ने शिरकत की और एफएमएस ट्रस्ट की इन खिदमत की सताइश की और इन्हें मुफीद मशवरों से नवाजा। इस कार्यक्रम में शेख शमीम, हाफिज शाकिर और हफीजा जैनब वॉलेंटियर्स एफएमएस ट्रस्ट ने हिस्सा लेते हुए बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। आखिर में मोहतरमा असरा शहजादी कोऑर्डिनेटर एफएमएस ट्रस्ट ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबरों के लिए तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अली भाई, असद साहब, रेहान भाई, आरिफ भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आकर हमारी हिम्मत अफजाई करें, हमको आगे बढ़ने का मौका दिया। इससे पहले नामपली में रोटी बैंक के नाम से एक इनॉग्रेशन अमल में आया था, उसके बाद से दिमाग में बस ऐसे ही था कि कुछ और करें गरीबों के लिए, कुछ और करें। तो एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट के बानी हैं हसन नवाज खान, जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लेके आया और मेरे काम को उभारा और मेरे लिए कुछ ऐसे अल्फाज अदा करे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो रोजी रोटी के नाम से एक छोटा सा लॉन्च जो हुआ, ये खुद मेरी बेटी जो 12 साल के हैं माजिया इरम, तो ये उन्हीं के बनाई हुई ये चीज़ है। उन्होंने बोले कि मम्मी कुछ गरीबों के लिए करेंगे, तो ये बात के लिए मैं आरिफ सर का, जिसके ये बानी है फेमस वेलफेयर ट्रस्ट के, मैं उनसे इस बारे में डिस्कस करी। ये सिर्फ 4 दिन की कोशिश है, सिर्फ 4 दिन में हम लोग इसको बनाए और इसके फ्लायर बनाए गए, जो ये तमाम फ्लायर बनते हैं माजिया इरम ही बनाते। तो मैं सबसे पहले मैं मेरी बेटी के लिए एक क्लैप्स चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। तो आरिफ सर जो USA में रहते हैं, उन्होंने बोले कि ठीक है आप करिए, जिससे रोज़गार भी लोगों को मिलेगा, जो ख़वातीन घरों में थे उनको भी कुछ हिम्मत हो जाएंगी, उनको भी 4 पैसे कमा सकते, ये सोच के फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाए। आज ये मुकाम पे 4 दिन में लेकर आए, साथ ही साथ मदरसा हो या और ऐसे FMS वेलफेयर ट्रस्ट, कई ऐसे लोगों में लॉकडाउन हो या बारिश से मुतासिर इलाकों में हो या जहाँ पर घरान डूब गए थे वो हो, बेवा हो, हर माहाना राशन की तकसीम की जाती है गरीबों में, रोज़ाना डेली फीडिंग किया जाता है, जिसके अंदर अब ये रोटी तकसीम होंगी। पहले बिरयानी हो या वेज बिरयानी, मटन बिरयानी, ये तमाम चीज़ें गरीबों में तकसीम किए जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रोटी का हुआ। इंशाल्लाह ताला बच्चों के लिए, इनकी तालीम के लिए, जो क्या बोलना चाहिए बीमार है उनके लिए भी FMS आगे आने की पूरी पूरी कोशिश करा। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो सका। कितने साल से ये खिदमत अंजाम देना? ये हम लोग 4 साल से। और इसके अलावा और किस तरह की खिदमत अंजाम? इसके अलावा अभी हम लोग कोशिश तो ये कर रहे हैं कि माजूर जो लोग होते हैं उनके लिए भी महाना पेंशन स्टार्ट की जाए, ये सोचे हुए हैं हम लोग। और जो मिसाल के तौर पर जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए भी एक छोटी सी कोशिश हो रही, आरिफ सर की वजह से ये तमाम चीज़ें मुमकिन हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज हम लोग इतना आगे नहीं आता, और जितने डोनर्स हैं ना उन सब की वजह से भी। ये जो आप रोटी, जो जिस किसी को ज़रूरत है वो आपको कैसा कांटेक्ट करना चाहिए? नहीं कांटेक्ट तो नहीं करते, मैं सलाम इलाका जो होता ना वहाँ पर हम सर्वे करते खुद, डेली लेकर जाते वहाँ पर खुद हमारे घर में तैयार होता। रोटी तो आज से स्टार्ट हुई मगर खाना जो है वो हमारे घर में तैयार होता। और मैं सबसे पहले ऑटो वालों को भी बोलूँगी कि वो उन्होंने काफ़ी मेरा सपोर्ट करते हैं, जो उन्होंने लेकर जाते हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कितने आदमी को तकसीम करते हैं? डेली 100।